ये खबर भी राजनीति से है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपनी गलतियां ठीक करें, सब ठीक हो जाएगा। राहुल सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, पहले वे मीडिया पर इल्जाम लगा रहे थे, अब सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हमें बीमारू राज्य दिया था, हमने इसे विकासशील मध्य प्रदेश बनाया और अब विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने सिर्फ भाषण दिए हैं, घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे को कांग्रेस ने नहीं निभाया है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये तंज कसाए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी अपनी गलतियां ठीक करने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, पहले मीडिया और अब सोशल मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल अपना फेस ठीक करें, फेसबुक खुद ठीक हो जाएगा, इसके लिए जनता से मिलें, उनकी समस्या जानें। सच मानिए हुजूर चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। या यूं भी कह सकते हैं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक तो ठीक हो जाएगी। जनता के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं, पहले मीडिया पे इल्जाम, अब सोशल मीडिया पे इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इसको ठीक करिए, सब ठीक होगा। कमलनाथ के आत्मनिर्भर भारत पर टिप्पणी को लेकर मिश्रा ने कहा कमलनाथ ठीक कहते हैं कि भाषण से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा, कांग्रेस की सरकार ने भाषण ही तो दिया है, इन्होंने हमेशा झूठ बोला, न कर्ज माफ किया न रोजगार दिया। भाजपा ने जो घोषणा पत्र में कहा उसे पूरा किया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में हमें दिया गया था, हमने विकासशील मध्य प्रदेश बनाया। वो सच कहते हैं, हम काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिए थे, सिर्फ झूठे वादे ही किए थे, एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं की। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेके प्रदेश नेतृत्व तक, हमने कहा, कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इनके नेता ट्वीट करने लगे तारीख बदलो, क्योंकि पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बताई तो ट्वीट कर दिया। हम बचपन से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा, 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आज़ाद हो गया। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा था तो किया, हमारे घोषणा पत्र में था। अब आप अपना घोषणा पत्र बताओ, 2 लाख का 10 दिन में किसी का कर्जा माफ हुआ क्या, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, बेटियों को स्कूटी मिली का। अब जब आप सिर्फ झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरे भी ऐसे ही लगेंगे कि भाषण से नहीं बनेगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।